हालेलुया। कलीसिया एक गहरा है, बट अगर प्रभु आपको बुद्धि दे और आप समझ पाओ, मैं आपको बोल रहा हूं, आप आगे की ओर बढ़ते जाओगे और कोई दुष्ट आपको रोक नहीं पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ जीसस, आत्मिक गति जो आज हम सीख रहे हैं और जान रहे हैं, आत्मिक गति को बनाए रखना, सीमित ना हो, रुको ना। वो एक गीत है, जड़ा इतने तक लेके आएगा, होगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। आप एक जगह तक रुकने के लिए नहीं, अब बस आ कम निकल गया मेरा, बस आ हो गया, इतो बचा लिया प्रभु ने, बस हो गया। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने अपनी मंजिल को धोखा दे रहे हो, आप परमेश्वर के बड़े प्लान को अपनी लाइफ में धोखा दे रहे हो। वो बालुओं वो सी पे जीत दिलाना वो तैयारी थी गोलियत पे जीत पाने की। आज प्रभु ने जो गवाहियां तैयार करी आपकी लाइफ में, वो जो जीत आ रही है। हालेलुया। हम स्पोर्ट्स दे विच अपन देख रहे हैं, एक टीम फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, एक टीम थी अर्जेंटीना, पहला वो हार गए, बट जैसे ही अगला मैच हुआ वो जीतने लगे और जीतने की एक गति तैयार हो गई और उस गति से वो सारे मैच अंत तक फाइनल तक जीतने गए और उन्होंने ट्रॉफी को उठाया। आप समझ रहे हो, आपकी जीत एक गति को तैयार करना जरूरी है, वो गति बनाए रखना जरूरी है। हालेलुया। वो गति पे ध्यान लगाना। आप समझ रहे हो कि नहीं? बाइबल दस दी है, अगर आप दूसरा सैमुअल 3:1 पढ़ो, बाइबल दस दी है, डेविड ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर वाइल सॉल बिकेम वीकर एंड वीकर। बाइबल दस दी है कि दाऊद बल पे बल पाता गया और वहीं शाऊल कमजोर पे कमजोर होता गया। आप समझ रहे हो, दाऊद उस गति में आगे की ओर बढ़ रहा था और ये वजह थी कि वो बल पे बल प्राप्त कर रहा था। आज लोग रुक जाते हैं, आप समझ रहे हो, और एक जगह पे रुकना, वहीं पे ठहरे रहना नहीं है, वो वापस जाना है। आप समझ रहे हो, वो नीचे की तरफ, आप एक बॉल को या एक चीज को अगर ऊपर की तरफ लेके आते हो, अगर वो रुकी रहेगी तो वो नीचे की ओर जाएगी। आप समझ रहे हो, उसका बढ़ना उस गति में आगे की ओर जाना जरूरी है, आगे की ओर पहुंचने के लिए। एक जगह पे खड़ा हो जाना इसका मतलब पीछे की ओर जाना। दाऊद बढ़ता गया पर वहीं शाऊल कमजोर होता गया। फर्क क्या था? प्रभु के साथ संगति। शाऊल बस राजा बन गया, बस अब मुझे नीड नहीं है प्रभु की, अब मुझे शमूएल की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही बलि को चढ़ा देता हूं। अपनी गति को उसने बनाई नहीं रखा, संगति को बनाए नहीं रखा। आज लोग एक गवाही बनती है, वो हीलिंग मिल गई है, बस उन जो मर्जी करो, उन की जाना है चर्च, गवाही तो बन गई है। मैंने पेरेंट्स को सुना है, दुष्ट आत्मा बेटी को, और बेटी अब फ्री है, अब तुझे क्या जाने की जरूरत है, अब तो तू आजाद है, अब तो तू चंगी है। सीमित कर देना प्रभु के अलौकिक प्लान को। प्रभु ने उसे चंगा और छुड़ाया इसीलिए नहीं कि वो वहां तक रहे, प्रभु का एक अलौकिक प्लान है उस चंगाई को लेके। प्रभु ने सिर्फ शेरों और भालुओं पे इसी नहीं विजय दिलाई कि दाऊद को सिर्फ बचा ले, वो एक बड़ी तैयारी थी, वहां से छुड़ाना, वहां से गवाही तैयार करना एक बड़ी तैयारी थी गोलियत पे विजय दिलाने के लिए, गोलियत के बाद राजा बनने के लिए, राजा बन के बड़े बड़े राज्यों पे शासन करने के लिए। हालेलुया।